मंगलवार को यूपी बोर्ड की इंटर और हाई स्कूल की परीक्षा के परिणाम का ऐलान हो गया है। सहारनपुर के अमरीश गुप्ता की दो बेटियां हैं। इस वर्ष छोटी बेटी के द्वारा हाई स्कूल की परीक्षा दी गई थी। मंगलवार को घोषित हुए परिणाम में सहारनपुर में उनकी बिटिया ने प्रथम स्थान प्राप्त कर अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। मैं बहुत ही खुश हूँ और बहुत ही डिलाइटेड फील कर रही हूँ और बहुत ही खुश हूँ। कितना टाइम आप पढ़ाई में देते थे जब आप? मेरा ज़्यादा से समय पढ़ाई में ही जाता था और मैं लगभग 17 से 18 आवर्स घंटे पढ़ती थी। अपने टीचर्स का और अपने पेरेंट्स का और मेरी सिस्टर हैं, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ाया है। इन्हीं सारा कोऑपरेट इन्होंने सब ने किया है मुझे कोऑपरेट। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट CA के ही मेरा ड्रीम है, मैं यही बनना चाहती हूँ। अमरीश गुप्ता ने बताया कि आज वो बहुत खुश हैं क्योंकि उनकी बिटिया ने उनका नाम रोशन किया है। आज उन्हें अपनी बेटियों पर गर्व है क्योंकि उनके केवल दो बेटियां ही हैं। उन्होंने सभी से अपील करते हुए कहा कि बेटा और बेटी में भेदभाव ना करें, दोनों में से कोई भी कम नहीं है। श्रुति की माता एक गवर्नमेंट टीचर हैं, उन्होंने भी सभी से अपनी बेटियों को पढ़ाने की अपील की है। सर, मैं कहना चाहूँगा कि सभी बेटियाँ, सभी पेरेंट्स को अपनी बेटियों को प्रेरित करना चाहिए पढ़ने के लिए, क्योंकि बेटियाँ भी नाम रोशन कर सकती हैं। मतलब बेटे ही नहीं, मतलब बेटियाँ भी नाम रोशन कर सकती हैं। तो इसलिए सभी पेरेंट्स को जो है प्रेरित करना चाहिए अपनी बेटियों को आगे पढ़ने के लिए, और उनको सहयोग भी देना चाहिए और घर में समय भी देना चाहिए पढ़ने के लिए, क्योंकि ताकि तभी तो पढ़ेंगे और तभी वो कामयाब होंगे। तो उनको पूरा समय मिलना चाहिए घर पे भी। सर, मेरी बेटी पेपर में केवल मात्र ओनली 2 या 3 घंटे सोती थी बस 24 घंटे में से, और हमें चिंता रहती थी इस बात की। वो पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देती थी, खेल कूद में नहीं, उसका सारा फोकस ही टोटल पढ़ाई पे रहता था। कैसा महसूस कर रहे हैं आपकी बेटी ने टॉप किया है? सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत मतलब गर्व है अपनी बेटी पे कि उसने आज मतलब मेरा नाम रोशन किया, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरे एक मतलब जैसा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये सपना हो वो आज मेरा पूरा हुआ है। और मतलब मैं सभी पेरेंट्स को यही कहना चाहूँगा कि सबको मतलब वो देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए अपनी बेटियों पे पढ़ने के लिए आगे, ताकि हमारी बेटी जो है पढ़े और समाज में मतलब सुधार आए, जो समाज की सोच है वो अच्छी बने। कितने बच्चे हैं आपके? सर, दो बेटी हैं हमारे, दो बेटी हैं। मुझे भाई बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी बेटी ने टॉप किया है। मैं तो सबसे बस यही कहना चाहूँगी भाई, अपनी बच्चियों को खूब पढ़ाना चाहिए। देखो आज मेरी बेटी ने टॉप किया है, मुझे मतलब मेरा कितना मुझे अच्छा फील हो रहा है। तो बेटियाँ भी बेटों से कहाँ कम हैं, तो अपने बच्चियों को खूब पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। और भाई बच्चों का ध्यान रखना चाहिए पढ़ाई पे, भाई उन्हें फोकस कर कि भाई पढ़ाई करो बस। मैं वैसे गवर्नमेंट टीचर हूँ, एक सारा दिन बच्चों में ही रहती हूँ, बच्चों को ही पढ़ाती हूँ। अब मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चों को पढ़ाना। बस यही कहना चाहूँगी कि जैसे भाई मेरी बेटी ने टॉप किया है, मैं सभी लड़कियों से यही कहना चाहूँगी कि खूब पढ़ाई करें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। श्रुति गुप्ता ने सहारनपुर में हाई स्कूल में 600 में से 571 अंक लाकर प्रथम स्थान हासिल किया है और इसका श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों को दिया है। श्रुति गुप्ता का सपना CA बनने का है। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।